हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर ट्यूशन क्लासेस। हमारा स्टैंडर्ड फर्स्टिंग का जो चैप्टर चल रहा है उसमें हमने मटेरियल वेरिएंसेस ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। आपने देखा कि मटेरियल में किस किस टाइप के वेरिएंसेस होते हैं। ये जो चैप्टर है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वन, इसमें आपको मेजर टू टॉपिक्स दिए हुए हैं। फर्स्ट टॉपिक था मटेरियल वेरिएंसेस, जिसमें हमने मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूजेज वेरिएंस, ये सारे वेरिएंसेस सीखे। अब हम नेक्स्ट लेक्चर्स में लेबर वेरिएंसेस सीखने वाले हैं। नाउ क्या होता है लेबर वेरिएंस? तो अगर आपने इससे पहले वाला टॉपिक मटेरियल वेरिएंस नहीं देखा तो पहले वो कंप्लीट कर लो, क्योंकि ये थोड़े से कनेक्टेड हैं। जैसे हम कोई भी प्रोडक्शन करते हैं तो आप कॉस्ट शीट में सीख कर आए हो। सबसे पहले हम कॉस्ट शीट में क्या लिखते हैं? जब हम अपनी कॉस्ट शीट बनाते हैं तब सबसे पहला आता है मटेरियल एंड सेकंड आता है लेबर। ये दोनों मेजर एक्सपेंसेस होते हैं किसी भी प्रोडक्शन के लिए। सो लेबर वेरिएंसेस में कौन से वेरिएंस होंगे उसका एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो एक बिल्डर है, वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कर रहा है। उसका अंदाजा था कि जब वो बिल्डिंग बनाएगा तो 5 लाख रुपीज का मटेरियल लगेगा और ये बिल्डिंग बनाने में अप्रोक्स 7 लाख रुपीज लेबर लग जाएगा। यस, आपने करेक्ट एग्जांपल देखा। आज के टाइम में मटेरियल से ज्यादा लेबर एक्सपेंसिव हो गया है। सो 5 लाख का मटेरियल चाहिए एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए और 7 लाख का लेबर चाहिए, टोटल 12 लाख। बट यहां पर जब वो रियल कंस्ट्रक्शन करने बैठा तो सेम वेरिएंसेस आने लगे। कौन कौन से वेरिएंसेस होंगे? सो फर्स्ट इज लेबर कॉस्ट वेरिएंस। लेबर कॉस्ट वेरिएंस क्या होगा कि हमने जितना टोटल लेबर सोचा था उससे ज्यादा लगा या कम लगा, दैट इज लेबर वेरिएंस। सपोज करो कि इन्होंने सोचा था कि 7 लाख रुपीज में ये बिल्डिंग बन जाएगी, बट जब रियल कंस्ट्रक्शन किया तो 7,50,000 रुपीज लग गए। अब यहां पर क्या हुआ, 50,000 रुपीज लेबर ज्यादा लग गया। ये इनके लिए अनफेवरेबल कंडीशन है। और अगर यही 7 लाख की जगह 6,50,000 में काम हो जाए, इन्होंने अंदाजा लगाया था, इन्होंने एस्टिमेट किया था कि जब ये बिल्डिंग बनेगी तो 7 लाख रुपीज लेबर चार्जेस लगेंगे, बट जब रियल में बिल्डिंग बनाई तो 6,50,000 में बिल्डिंग बन गई। तो ये है इनका लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट जो एस्टिमेटेड होता है उससे ज्यादा लगा तो ये हमारे लिए अनफेवरेबल है। 7 लाख का एस्टिमेट था और 7,50,000 रुपीज लग गए तो यहाँ पर ज्यादा पैसा खर्च हो गया, 50,000 रुपीज ज्यादा लग गए, सो दैट इज अनफेवरेबल। लेकिन अगर 7 लाख का एस्टिमेट है और वही हमारा काम 6,50,000 में हो जाता है तो यहाँ पर हमारे 50,000 सेव होंगे, बच जाएंगे, दैट इज फेवरेबल कंडीशन। तो इसे हम कहेंगे लेबर कॉस्ट वेरिएंस। सो लेबर कॉस्ट वेरिएंस में हम क्या देखते हैं कि लेबर कॉस्ट वेरिएंस में हमारा टोटल कॉस्ट कितना लगा, जो लेबर का टोटल कॉस्ट था वो कितना लगा। सो फर्स्ट हमने सीखा यहां पर लेबर कॉस्ट वेरिएंस, लेबर कॉस्ट वेरिएंस। नाउ लेबर कॉस्ट वेरिएंस में हम फॉर्मूला कौन सी अप्लाई करेंगे? सो स्टैंडर्ड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट
मैं ये शॉर्ट में लिख रहा हूं, आपको एग्जाम में पूरा लिखना है। स्टैंडर्ड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू एक्चुअल रेट, इसे हम कहेंगे लेबर कॉस्ट वेरियंस। स्टैंडर्ड आवर्स, अब जब लेबर काम करते हैं ना तो उनका काम नंबर ऑफ आवर्स में कैलकुलेट किया जाता है कि सारे लेबर मिलकर कितना काम कर रहे हैं। एक एग्जांपल के साथ बता रहा हूं, सपोज करो आज एक लेबर हमारे पास है जो 8 आवर्स पर डे काम करता है, एक लेबर एक दिन में 8 घंटे काम करता है, और आज हमने 100 लेबर्स को अपॉइंट किया था, सो 100 लेबर्स मिलकर टोटल कितना काम करेंगे? सो ये हो जाएगा 100 into 8 divided by 1। तो हम ये कहेंगे कि आज हमारा 800 आवर्स काम हुआ है, 800 घंटे आज काम हुआ है हमारे फैक्ट्री में। अब आप ये बोलोगे कि सर दिन में तो होते ही 24 आवर्स हैं। हाँ आप सही हो, 24 आवर्स होते हैं, उन 24 आवर्स में से एक लेबर ने 8 आवर काम किया है, 8 घंटे एक लेबर ने काम किया है, और ऐसे 100 लेबर काम कर रहे थे, तो यहाँ पर 800 आवर्स हो जाएंगे। सो हमारा लेबर कॉस्ट वेरियंस क्या हुआ? कोई भी काम करने के लिए, सपोज करो कि हमें सोचा था कि हमें 1000 आवर्स लेबर के चाहिए होंगे, 1000 आवर्स, और वो जो लेबर हमें मिल जाएगा वो 100 रुपीस पर आवर पर मिल जाएगा। हमें 1000 आवर्स काम करवाना है और 1 आवर का 100 रुपीस लग जाएगा। अब यहाँ पर हुआ क्या कि जब हम एक्चुअल काम करने बैठे तो यहाँ पर हमारा जो एक्चुअल आवर्स थे वो लग गए 1100। नाउ 1100 आवर्स लग गए, एंड एक्चुअल रेट, अगर मैं रेट की बात करूं तो वो 100 रुपीस में ही लेबर्स अवेलेबल हो गए। So, अब हम लेबर कॉस्ट वेरियंस देखेंगे, 1000 into 100, हमारा एस्टीमेट था कि 1 लाख में काम हो जाएगा, 1000 आवर्स 100 रुपीस पर आवर, लेकिन रियल में लगे 1100 आवर्स एंड 100 रुपीस में लेबर नहीं गया, सो हमारा टोटल लग गया 1,10,000। यहाँ पर आ रहा है -10,000 विच इज अनफेवरेबल, ये हमारे लिए अनफेवरेबल सिचुएशन है। अनफेवरेबल क्यों है? क्योंकि हमने अंदाजा लगाया था कि हमारा 1 लाख में काम हो जाएगा, बट 1,10,000 लग रहा है, सो दैट इज कॉल्ड लेबर वेरियंसेस। नाउ इस लेबर वेरियंस के बाद हम नेक्स्ट समझेंगे, ये आज आपका लेबर वेरियंसेस का जो टॉपिक है उसका थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ, और उस इंट्रोडक्शन के बाद हम सम्स स्टार्ट करेंगे, और मैं सम्स में आपको डिटेल्ड में ये सारी फॉर्मूला अप्लाई कर दिखाऊंगा। नाउ नेक्स्ट इज लेबर रेट वेरियंस। लेबर रेट वेरियंस, और ये सारी फॉर्मूला मटेरियल्स जैसी ही हैं, सिर्फ मटेरियल में डिफरेंस इतना है कि वहां पर हम क्वांटिटी यूज करते थे। मटेरियल कॉस्ट वेरियंस का फॉर्मूला देखो क्या है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल रेट। यहां पर क्या है, यहां पर लेबर वेरियंसेस हैं, सो स्टैंडर्ड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू एक्चुअल रेट्स। सो ये हमने जो किया, ये हमने लेबर कॉस्ट वेरियंस किया। नाउ लेबर रेट वेरियंस, सो लेबर रेट वेरियंस का फॉर्मूला है एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। ये सारी फॉर्मूलास इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ मैं आपको अवेलेबल करवाऊंगा, आपको ये हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या जहां पर मटेरियल का ऑप्शन है वहां पर आप सारा मटेरियल देख सकते हो। सो लेबर रेट वेरियंस इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। अब रेट वेरियंस क्या होता है? हमने सोचा था
कि हमें 100 रुपीज पर आवर में लेबर मिल जाएगा, बट जब हम मार्केट में लेबर हायर करने गए, मीन्स लेबर को जब हमने अपॉइंट किया, तो वो लेबर हमें 120 रुपीज में मिला, मीन्स जो हमारा एस्टिमेट था उस एस्टिमेट से ज्यादा पैसे देने पड़े, तो ये हमारे लिए अनफेवरेबल कंडीशन हो जाएगी। एंड अगर हमारा एस्टिमेट 100 रुपीज है और हमें मार्केट में लेबर 80 रुपीज में मिल जाता है पर आवर काम करने के लिए, कई बार ऐसा होता है मार्केट में लेबर्स बहुत ही कम रेट पर अवेलेबल होते हैं या फ्रेशर होते हैं, न्यू होते हैं, सो हमें 80 रुपीज में ही मिल गया लेबर काम करने के लिए, तो ये हमारे लिए पॉजिटिव कंडीशन हो जाएगी, फेवरेबल कंडीशन हो जाएगी। सो यहाँ पर हमें ये देखना है, सिंपल सी बात है कि हमारे एस्टिमेट से ज्यादा पैसा लग रहा है तो हमारा लॉस होगा, अनफेवरेबल होगा, एंड हमारे एस्टिमेट से कम पैसा लग रहा है तो ये हमारे लिए फेवरेबल कंडीशन है, इससे हमें प्रॉफिट होगा। सो लेबर रेट वेरियंस इज इक्वल टू एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। फिर से बता रहा हूं, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आपको पूरा लिखना है एग्जाम में। नाउ ऐसे ही और भी कुछ वेरियंसेस हैं, जैसे लेबर एफिशिएंसी वेरियंस, ठीक है। अब एफिशिएंसी में क्या होता है कि कुछ लेबर्स को आप अपॉइंट करो 8 आवर्स के लिए, 8 घंटे। अब कोई भी लेबर 8 घंटे कॉन्टिन्यूस तो काम नहीं करेगा, उसे कम से कम एक लंच ब्रेक चाहिए होगा। सपोज करते हैं कि कोई लेबर सुबह 10 बजे काम पर लग रहा है और शाम को 6 बजे तक वो काम कर रहा है, तो इस 8 घंटे के बीच में उसे एक लंच ब्रेक चाहिए होगा, खाना खाने के लिए 2-2.5 बजे टाइम चाहिए होगा, फिर एक टी ब्रेक चाहिए होगा। यहाँ पर लेबर करते क्या हैं, टाइम का वेस्टेज करते हैं। जैसे कि हमने लेबर्स को 30 मिनट्स दिए हुए हैं लंच ब्रेक के लिए, कि आपको 30 मिनट्स में अपना लंच ब्रेक पूरा करके फिर से काम पे लग जाना है, लेकिन लेबर्स करते क्या हैं, 30 मिनट की जगह 40-45 मिनट्स या 1 आवर कर देते हैं। खाना खा लेंगे, खाना हो जाएगा, लेकिन काम स्टार्ट नहीं करेंगे। बातें चल रही होगी इंडिया की पॉलिटिक्स की, क्या अब इंडिया के पॉलिटिशियंस ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मीन्स कहने का मतलब लेबर टाइम वेस्ट करते हैं, जिसे हम कहेंगे आइडल टाइम, मीन्स लॉस्ट हो रहा है हमारे टाइम का। सेम अगर हम उन्हें एक टी ब्रेक दे रहे हैं 15 मिनट्स का, तो यहाँ पर भी ये टी ब्रेक में 15 मिनट्स के 30 मिनट्स कर देते हैं। अब देखा जाए तो हमने उन्हें पेमेंट किया है 8 आवर्स के लिए, 8 घंटे का हम उन्हें पेमेंट कर रहे हैं, जबकि वो रियल में जो काम कर रहे हैं वो 7 आवर्स कर रहे हैं। रोज लेबर हमारा 1 आवर का लॉस कर देते हैं, और यहाँ पर ऐसे लॉसेस होते रहते हैं। अगर लेबर को ज्यादा डांटेंगे तो काम छोड़कर चले जाएंगे। हमें ये समझना है कि हम पेमेंट तो 8 आवर्स का दे रहे हैं, पैसा तो 8 घंटे का दे रहे हैं, लेकिन लेबर्स काम जो कर रहे हैं वो 7 आवर्स के लिए कर रहे हैं, तो हम ये समझेंगे कि हमने ये जो पैसा दिया ये 7 आवर्स का ही दिया, दैट इज आइडल टाइम, कि जो वेस्ट करते हैं लेबर्स। सो स्टूडेंट, यहां पर मैंने आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन कवर किया लेबर वेरियंसेस का। नाउ नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको लेबर वेरियंसेस की सारी फॉर्मूलास दूंगा और हम सम्स भी स्टार्ट कर देंगे, साथ में हमारे सम्स स्टार्ट हो जाएंगे। यहां तक आपको कुछ भी डाउट हो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप कर सकते हो, मैं आपके डाउट्स जरूर सॉल्व करूंगा। सो स्टूडेंट्स, दैट्स इट, ये लेक्चर मैं यहाँ ही पूरा कर रहा हूँ। होपफुली आपका लेबर वेरियंसेस का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हुआ होगा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में सम स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में सम सीखेंगे।